उस मौजूदी पर 500 किताबें पाकिस्तान और बड़े सगीर में सारे फिरकों ने उसकी गुमराही पर लिखी। देवबंदियों की दर्जनों किताबें मौजूदी के गुमराही पर है। हवाले सुन्नत की तो तकरीबन 500 के करीब किताबें जिसको हम गुमराह कर चुके हैं उसके हवाले हमारे सामने पेश करते हैं। और ये अल फारूक में जो लिखा है वो भी पढ़ लेना था कि लिखा क्या अल फारूक के अंदर। ये बात जिक्र करके कहा है अगरचे सनद के एतबार से इस रिवायत पर हम अपना एतबार जाहिर नहीं कर सकते। इसकी कोई सनद, बोलो कोई सनद, कोई सनद। और जो बेसनद हो ना उसको पंजाबी में बेसनता कहते हैं। तो बेसनता कोई है जो इसे अपने लिए दलील बनाए, सनद इसकी नहीं। और बाकी अकल की जो इसने बात की है तो वो हमारे लिए हुज्जत नहीं, ये खुद गुमराह इंसान है। इस बात की कोई सनद, इस बात की कोई सनद, खुद जिस किताब का वाला देते हो उसमें लिखा हुआ है इस बात की कोई सनद। सनद मिले तो फिर बात हो कि सच्ची है या झूठी है, सनद ही नहीं है। सुनी सुनाई बात किसी ने लिख दी और किसी ने कर दी। इस वास्ते कहीं ऐसी कोई चीज हजरत ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पर हजरत उमर का लकड़ियां लाना, आग जलाना, बिल्कुल स्याह झूठ, स्याह से स्याह, और किसी तरह भी इसकी कोई सनद नहीं। और किसी भी आले सुन्नत की मोतबर किताब के अंदर इसका जिक्र नहीं और कहीं भी इसका कोई सबूत नहीं। ये लोग हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत करने वाले थे, उनके घर जलाने वाले नहीं थे कि आग लेके सामने आ जाते। यहां इस बात को भी मैं तुम्हारे सामने पेश करना चाहता हूं। जिस वक्त हदीस बयान की गई बुखारी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 1009 कहते हजरत अली और हजरत जुबैर, उन्होंने बड़ी मुखालफतें की। मैंने कहा था ना हम निवाला हम प्याला आलो अस्हाबे नबी, वो कहते नहीं नहीं बड़े वैर थे आपस में, दुश्मनी बड़ी थी। अब सोच लो सुनने वालों अमन का दाई कौन है? हम है, इस्लाम वाले हम है। फसादी वो है जो ऊपर से लड़ाए कि हमारे बड़े लड़े हुए थे। हम कहते नहीं नहीं, इख्तलाफ राय होता रहता है, इज्तिहादी गलती है। बाकी अल्लाह तरफ रहता अल्लाह फैन खलूब कुम, रब ने दिल मिला दी है। इस सिलसिला में दो बातें, एक मुस्लिम से उन्होंने पेश की, एक बुखारी से। यह कहता है कि सकीफा बनी सायदा की बात करते हुए खालफ अन्ना अली बस जुबैर, तर्जमा क्या करते हैं, हलते अली हलते जुबैर ने हमारी मुखालफत की। हमारी क्या की? वो बैत वाली मीटिंग में इन दोनों ने हमारी क्या की? काश के अरबी जुबान में सिले के इस्तेमाल का मतलब आता होता। यहां पर खालाफा ना नहीं है, खालाफा ना नहीं है, खालाफा अन्ना है। अगर होता खालाफा ना फिर माना होता दोनों ने हमारी मुखालफत की, यहां है खालाफा अन्ना, खालाफा अन्ना। फरमा हम मीटिंग में थे, ये दोनों नबी अलैहिस्सलाम के पास हमसे पीछे रह गए। खालफ अन्ना का माना पीछे रह जाना, मुखालफत करना नहीं। क्यों? उस वक्त काम तकसीम था, वो दोनों नबी अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थे। खालफ अन्ना वो हमसे पीछे रह गए, और बैत तो फिर की जरूरी काम के लिए उन्हें छोड़ा और फिर आप भी साथ शरीक हुए। और यहां तक सलात पर नबी अलैहिस्सलाम के जस्दिया तरफा जिसको ये जनाजे से तबीर करते हैं, इनकी किताबों में लिखा है हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला को साथ मिला के सब कुछ बन गया। ये इसके बाद सही मुस्लिम कहता है कि जब हजरत अली रदी अल्लाह तआला को, यह मुस्लिम की है सफा नंबर 191 जिल्द नंबर 2 है, इसमें कहता है कि अब उसने साबित करना है कि ना कोई नवाला है ना कोई प्याला है, कुछ भी नहीं है, वो निकाल के रखो।
जिसमें हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने तरफ से यह सनद जारी की कुर्बुल इस्नाद कि जिस से मेरा इख्तलाफ की हुआ हमने ना उनको मुशरिक समझा ना काफिर समझा ना मुनाफिक समझा। अब इस मकाम पर कहता है कि जिस वक्त हजरत उमर रदियल्लाहु ताला का अहद हुकूमत था, सारी हदीस का मतलब समझाता हूं, हजरत अब्बास जो नबी अलैहिस्सलाम के चचा जान है और हजरत अली रदियल्लाहु ताला को भी चचा जान है, हजरत अब्बास और हजरत अली रदियल्लाहु ताला की नाराजगी हो गई एक मसले में। लेकिन यहां बगले में जाने की जरूरत नहीं कि अली अब्बास भी आपस में नाराज थे, बस कुछ थी ऐसी सूरत हाल। दोनों गए कहां? हजरत उमर रदी अल्लाह तला के पास। किस लिए? फैसला करवाने। और झूठों से फैसले कोई नहीं करवाता, खाइन से फैसले कोई नहीं करवाता, गद्दार से फैसले कोई नहीं करवाता। उमर तो उस जात का नाम है जहां नबी अलैहिस्सलाम के चचा जान भी इंसाफ लेने जाते हैं। दोनों का झगड़ा था फदक के बारे में। पहले दोनों इकट्ठे निगरान थे, अब चाहते थे कि निसफ हमें दे दिया जाए, हम निगरानी करें। इस मौका पर जब फैसला सुनाने लगे ना हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हो कि ऐसा नहीं करेंगे, उस मौका पर ये लफ्ज बोले जो उन्होंने पढ़े, फरई तुमानी, तुम दोनों ने मुझे देखा, हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हो कहते हैं, क्या काज़िबन आसिमन गादिरन खाइनन, कहते हैं चूंकि हजरत अली चुप रहे थे ना आगे से, तो फिर पता चला कि वाकई हजरत अली हजरत उस्मान को काजिब समझते थे, हजरत उमर को काजिब या खाइन माजला समझते थे। ये सुकूत को दलील बना रहा। मेरे भाइयों, ये है हदीस, यहां से शुरू होती है, यहां जाकर खत्म होती है। सोचने की बात है कि झूठे से तो इंसान ही कोई नहीं करवाता। यहां इस हदीस के शुरू का लफ्ज है, अगर यह दलील जो तुमने बनाई है तो फिर तुम्हें सोचना चाहिए। शुरू में यह लिखा है, फकाल अब्बास, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने कहा, क्या या अमीर अल मोमिनीन, ए अमीर अल मोमिनीन, कौन? उमर। या अमीर अल मोमिनीन, अमीर अल मोमिनीन, इक़्दे बैनी व बैन हाज़ल काज़िब अल आसिम अल गादिर अल खाइन, कि मेरे और इस हजरत अली रजी अल्लाह तआला की तरफ इशारा करके हजरत अब्बास ने कहा, सिर्फ लफ्ज बोलूंगा, मुराद नहीं है, आगे चूंकि जवाब दे रहा हूं, चार लफ्ज बोल दिए, इसके और मेरे दरमियान फैसला करो उमर, ये कौन है? हजरत अली की तरफ इशारा करके कहा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने, काज़िब आसिम गादिर खाइन, झूठा गुनाहगार, खयानत करने वाला, गद्र करने वाला। अब यहां भी हजरत अली नहीं बोले तो क्या यह कहोगे कि मान गए थे? मान गए थे, कहते बस चचा जी जो कह रहे हो ठीक है, मैं ऐसे ही हूं। अगर खामोशी को दलील बनाते हो तो फिर यहां भी खामोश रहे। ये है नबी, इस पर देखो इकमाल मोलम और अल मुफ़हम और कुर्तुबी, वो सारी किताबें तफसील से वक्त नहीं पेश करूं, हमारे हर मदरस ने यह कहा कि ये दोनों जगह रावी का वाम है। क्यों? फरमाया हजरत अली की यह शान नहीं कहते थे अब्बास उनको झूठा कहे, हजरत अली की यह शान नहीं कहते थे अब्बास उनको खाइन कहे, गद्दार कहे, माज़िल्ला। फरमाया हम रावी की गलती मान सकते हैं मगर महबूब के रिश्तेदारों के अंदर यह बात नहीं मान सकते हैं। फिर कह लगे जैसे यहां है ऐसी अगला जुमला भी, रावी का वाम है। ये एक जवाब। और दूसरा जवाब कहते अगर बतौर फर्ज ये बात बाम न हो तो फरमाया फिर इन लफ्जों की हकीकत मुराद नहीं। क्यों? फरमाया चचा बाप की मिसल होता है और चचे की झिड़की जो होती है वो बाप की झिड़की की तरह है। और चचा ये कहे ए निकम्मे, आम लोगों के लिहाज से उसका यह मतलब नहीं कि वो बंदा वाकई निकम्मा है। बाप यह कहे उल्लू के पट्टे, तो यह मतलब नहीं कि वो वाकई ऐसा है। इसमें झिड़की मकसूद होती है, बिला तमसील।
فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا حقیقی معنی مراد نہیں تھے، صرف وہ اپنے چچا ہونے کی حیثیت سے بول رہے تھے کہ میرا بھتیجا ہے، میں جھڑک سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں، میں ان کے باپ کی طرح ہوں۔ تو اس انداز میں انہوں نے بولا، ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ غدار ہیں، معاذ اللہ یہ خائن ہیں، حقیقی لبان مراد نہیں تھے، یہ وہ سوچ ہے جو ادب والی سوچ ہے۔ اور کہنے لگے وہی انداز آگے بھی جا کے اپنانا پڑے گا، وہاں پر کذب اور غدر اور خیانت کے جو لفظ ہے ان کا حقیقی معنی نہیں ہے، بحیثیت امیر المومنین دوسرے بندے پر ایسے الفاظ کا اطلاق اپنی خلافت کے لحاظ سے کیا جا سکتا ہے کہ تم مجھے ایسا سمجھتے ہو، یعنی معمولی انداز کی بات بھی اس طرح بیان کی جا سکتی ہے۔ تو یہ مسلم کا دامن صاف ہے اور گندا ہے تو ان لوگوں کا جن کا دماغ گندا ہے۔ ہم نے ہم نوالا بھی مانا ہے، ہم پیالہ بھی مانا ہے۔ محتشم صاحب حضرات، میرے بھائیوں بات لمبی ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ مجمع عام میں کرنے والی نہیں، کیونکہ عام بندہ سمجھ نہیں سکتا، پہلے بہت پڑا ہوا ہو، لیکن مجبوری ہے کہ مجھے وہ بیان کرنی پڑ رہی ہے تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ ہمارا یہ بھی اعتراض رہ گیا، ہمارا یہ بھی اعتراض رہ گیا۔ اجمالاً سب کے اور تفصیلاً جتنا ٹائم ہے انشاءاللہ پورا کر کے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اب باری آئی ہے میرے امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس نے تو ایسے ایسے لفظ بولے، ایسا کوئی معاذ اللہ نوکروں کے بارے میں بھی نہیں بولتا، اور یہ تو میرے نبی علیہ السلام کے داماد، کہتا بخاری میں لکھا ہے کہ وہ بھاگ گئے اور تین دنوں کے بعد آئے اونٹ میں۔ میں کہتا ہوں وہ تیری بھی بخاری ہوگی جس میں یہ لکھا ہو کہ تین دنوں کے بعد آئے، ہماری بخاری میں ایسا تین دنوں والا لفظ موجود نہیں ہے۔ اب بخاری شریف کے اندر وہ تفصیل اور جیسے ذکر کیا، ساتھ جواب بھی ذکر کیا، جلد نمبر 2523 صفحے پر یہ لکھا ہے کہ ایک عراقی مصری، ایک مصری آ گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگا میں تم سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ پوچھا کہ وہ بدر میں بھی نہیں تھے، بیت رضوان میں بھی نہیں تھے، اوہد کے دن بھی آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اللہ اکبر۔ ابن عمر نے کہا تعال، ادھر آ میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے جھوٹا نعرہ مارا، اللہ اکبر بھی خاص موقع پہ ہوتا ہے سچا، اور تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے بارے میں عیب اکٹھے کر کے تم نے یہ لفظ بولا اللہ اکبر، فقط دیکھو اللہ اکبر کہا کہنا ہوتا ہے۔ فرما آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرما بدر کی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تم گھر میری بیٹی کی عیادت کرو، بدر کا ثواب بھی ملے گا، بدر کا حصہ بھی ملے گا۔ پھر فرما بیت رضوان، بیت رضوان میں فرمایا اگر ان سے بڑھ کر کوئی مکہ شریف میں زیادہ ویلیو والا ہوتا تو اسے بھیجا جاتا، یہ تو ان کی شان ہے کہ انہیں منتخب کیا گیا، مجھے وہ کبھی کوئی پتہ نہیں۔ حضرت عمر پر یہ اعتراض ہے کہ وہ کیوں نہیں گئے، اور حضرت عثمان پر یہ ہے کہ وہ کیوں گئے۔ حضرت عمر پر یہ بنایا ہوا ہے کہ سرکار کہتے رہے ان کا نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میں تو مشورے طور پر کہا تھا کہ ان کی برادری ہے میری برادری نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے مشورہ قبول کر لیا۔ ان کے بارے میں یہ اعتراض کہ انہوں نے جانے سے انکار کیوں کیا، انکار بنا کے اعتراض بنا دیا، اور ان پہ یہ کہ موجود ہی نہیں تھے بیت رضوان میں۔ تو تیسرا، حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ظالم تو کہتا ہے کہ وہ بھاگ گئے، تیری عدالت بڑی ہے یا رب کی عدالت بڑی ہے؟ سوچنے کی بات ہے بھائیوں۔ کہنے لگے جب رب فرماتا والا قد افلّا عنہم، اللہ نے معاف کر دیا ہے، جب رب نے معاف کیا ہے تو تم ان پر کیس کیوں چلا رہے ہو؟ رب کی عدالت کے بعد کسی کی عدالت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے
فیصلے کے بعد